फ्रेंड्स, डेल्टा विंग का ये पार्ट टू है। पार्ट वन हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो माई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने अपने सभी पार्ट्स को काट लिया था और इस वीडियो में हम उनको ज्वाइन करने वाले हैं। फाइनली हमने अपने एलिरोन्स को टेप की हेल्प से जोड़ लिया है और अब हम इनको ज्वाइन करने वाले हैं। विंग को ज्वाइन करने के लिए एज ए स्पार मैं यूज़ कर रहा हूँ बैम्बू स्टिक। आप अपने हिसाब से बैम्बू स्टिक का साइज़ रख सकते हैं, और आपको सिंपली क्या करना है, बैम्बू स्टिक को बीच से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद विंग के मिडिल सेक्शन में इस तरीके से एक होल करना है, और विंग के दोनों सेक्शन में भी आपको इसी तरीके से एक एक होल करना है। होल करने के बाद सिंपली हम बैम्बू स्टिक पर हॉट ग्लू लगाकर इन होल्स के अंदर इसको फिट करके अच्छे से हॉट ग्लू से चिपका देंगे, जिससे हमारा विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोसेस को कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमने अपने विंग के तीनों सेक्शन को हॉट ग्लू की हेल्प से अच्छे से जोड़ लिया है, और अब हम अपनी विंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रे बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी बैटरी और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहेंगे। दोस्तों, इसके डायमेंशंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से कट करके इसको इस तरीके से अच्छे से चिपका लेना है। चलिए इस प्रोसेस को भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बैटरी टेप बनाने के बाद आपको सिंपली इसको कवर करने के लिए एक इस तरह का कोरोशीट का टुकड़ा लेना है। आप उसकी जगह थर्माकोल का टुकड़ा भी कोई यूज़ कर सकते हैं, और आपको हॉट ग्लू से इसको अच्छी तरह यहाँ से चिपकाकर इसको इस तरीके से फोल्डेबल बना देना है, जिससे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यहाँ पर ईजिली फिक्स कर सको। दोस्तों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मैं अगर बात करूँ तो मैंने इसमें 2200 केवी का BLDC मोटर विथ 3 pair 6-inch प्रोपेलर यूज़ किया है। अगर दोस्तों आपके पास 3 pair प्रोपेलर नहीं है तो आप इसके अंदर 2 pair या फिर 5-inch का प्रोपेलर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ESC और रिसीवर सेट किया है, और यहाँ हमारे पे बैटरी लोकेशन है, यहाँ पर हम अपनी बैटरी रखेंगे। तो दोस्तों, इस बैंड में जैसे कि आपको पता है कि डेल्टा विंग में केवल एलिरोन होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने 2 SE9 प्लास्टिक के सर्वो मोटर्स यूज़ की हैं, और कंट्रोल होल्ड की हेल्प से इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। दोस्तों, एक सर्वो मैंने यहाँ पर अटैच की है और एक सर्वो यहाँ पर अटैच की है। और दोस्तों, इस बैंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर सेट किए गए हैं। दोस्तों, इसके डायमेंशंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप सिंपली काट कर इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका देना है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसको चिपकाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि ये यहाँ से 90 डिग्री पर अच्छे से चिपका होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस प्लेन के CG की बात करें तो CG आपको डायमेंशंस में वैसे तो दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको डायमेंशंस में दिए हुए CG को इजीली यहाँ पर मार्क करके लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद आपका सभी इलेक्ट्रॉनिक ऐड करने के बाद इन दो पॉइंट पर आपका प्लेन बैलेंस होना चाहिए। और दोस्तों, रही बात इसकी टेपिंग की और इसके स्टिकर्स की, ये आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं RC Flying की अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों